क्या तू छोड़ से बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे केंद्र सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे शोषण पे तू हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे अत्याचार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल अरे तोड़ फोड़ पे दिल्ली सरकार पे हल्ला बोल हल्ला बोल हल्ला बोल हॉस्पिटल के खिलाफ से बोल हल्ला बोल हल्ला बोल मेरे बच्चों हल्ला बोल हल्ला बोल हम भी तो इसी धरती के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, धरती माता हमारे भी भारत माता है ना। हम लोग 50 साल से बसे हुए हैं बदरपुर में, आर्ट और कला से ही हमारे बच्चे को अपना साधन दिया, उसी हमारे बच्चे को उजाड़ रहे। और जिस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग आए हैं, वो समाज के एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए तमाम कलाकार हैं जो आए हैं अपने आवास की गारंटी को लेकर। हम तो वैसे 50 साल पहले राजस्थान के थे, जब राजस्थान में बहुत भूकंप थी उस टाइम तो हम उजड़ के यहाँ आ गए थे। हमारी जाति तो भाट लोग हैं हम, पहले हमारे बाप दादा कवि बोलते थे, राजा महाराजा कहीं जाके कवि बोल के अपना पेट पालन करते थे, भीख मांग के भी पेट पालन करते थे। उनके बाद हमने छोटी मोटी कला सीखी, स्कूलों में जाके बच्चों को कुछ आर्ट सिखाते हैं, उनके जो पैसे आते हैं उन्हीं से हमारे बच्चों का पेट पालन होता है। तो 50 साल से हम रुक रहे हैं, तो हमें कोई इंदिरा गांधी आवास योजना, राजीव गांधी आवास योजना, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में, केजरीवाल आवास योजना में हमें कुछ नहीं मिल रहा है। ऊपर में हमारे में कैश ठोक दिया। आर्टिस्ट लोग हैं हमारे, आदमी फूल पेपर कटिंग होती है, फूल का काम करते हैं। यहाँ पे दिल्ली बदरपुर में हम लोग को 50 साल हो गया, वहाँ पे जंगल था, बिल्कुल जंगल था, तो जहाँ पर हम लोग को थोड़ा सहारा मिल गया हम लोग वहाँ बस गए। अब थोड़ा पानी आंधी तूफान के बरसात के वजह से थोड़ी बहुत झुग्गी बनाई थी, झुग्गी में हमारे बच्चे हम लोग पानी से भींग रहे थे, तो थोड़े बहुत वहाँ घर बना दिया। घर बनाने के बाद अब जो भी आते उठाने की बात करते हैं। हम कहाँ जाएंगे, 50 साल से रहने वाले, डॉक्यूमेंट है हम लोग के पास, पहचान पत्र है, स्मार्ट कार्ड है, जो कुछ है सब कुछ है। फिर हम भी तो धरती के, इंडिया के धरती की माता के हम भी तो बच्चे हैं ना, हम भी तो इसी धरती के बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम, धरती माता हमारे भी भारत माता है ना। हमारे माता पिता हम लोगों को मेहनत और मजदूरी से, आर्टिस्ट से, कलाकार से हम लोगों का साया बनाया था, उसी साया में हम अपने जिंदगी गुजार रहे। हमने कभी ये नहीं सोचा कि यहाँ पे महल बनाए, कोठी बनाए, बंगला बनाए, हम अपने छोटे मोटे मकान में भी खुश है, उसी हमारे बच्चे को उजाड़ रहे। सबसे पहली हमारी मांग है कि हम सब लोगों को आवास की गारंटी दो और घर की गारंटी दो, ये कानून बनाया जाए। देश भर में मजदूरी और आवास, इन दोनों को लेकर जो मजदूरों के अहम मुद्दे हैं उनके बारे में हम लोग उनके अधिकारों को लेकर जन जन तक पहुंचते हैं। और जिस प्रकार आज आप देख सकते हैं कि यहाँ तमाम लोग आए हैं, वो समाज के एक अंतिम पायदान पर खड़े हुए तमाम कलाकार हैं जो आए हैं अपने आवास की गारंटी को लेकर, कि उनके आवास की गारंटी सरकार क्यों नहीं दे रही है, सरकार ने आखिर क्यों नहीं ऐसा सख्त कानून पारित किया है जिसकी वजह से आवास की गारंटी हो, आवास सुरक्षित हो। क्योंकि बहुत लंबे समय से राजीव गांधी योजना आई, इंदिरा गांधी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, पर सारी योजनाएं आवास के वादे कर रही है, पर ये इनको कुछ मिला नहीं है। अभी इनका डिमांड है कि आवास की गारंटी सरकार दे, दूसरा डिमांड है कि जीरो इविक्शन पॉलिसी दिल्ली की सरकार के पास है, वो लागू क्यों नहीं हो रही है, चारों तरफ बुलडोजर चल रहे हैं। महरौली के पास जितने लोगों के घर हैं, 15,000 के तकरीबन लोगों को नोटिस मिल चुका है कि दिल्ली के अंदर 40,000 घर खाली पड़े, सरकार क्या साजिश कर रही है, क्यों उनको खंडर बना रही है, उन घरों के अंदर इन मजदूरों को, दिल्ली के मजदूरों को, दिल्ली के कलाकारों को, दिल्ली के गरीबों को घर क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं इनको इनका आवास का अधिकार मिल रहा है, जबकि आर्टिकल 21 में बहुत क्लियर से सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत रूप से ये कह दिया है कि आवास का अधिकार आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर क्यों इनके इस अधिकार का हनन हो रहा है, और वो हनन सरकार कर रही है।